So, okay guys, once again welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone and this is Yuvraj Batch. और युवराज बैच में क्लासेस चल रही हैं पी वाई क्यूज नवोदय इंट्रेंस एग्जामिनेशन की. सो पिछले क्वेश्चन में कुछ ग्लिचेस आ गए थे तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ. थर्सडे को 3/4 आवर्स, फ्राइडे को 4/3 आवर्स, सैटरडे को 16/5 आवर्स एंड सो टोटल वर्क आवर इक्वल टू सॉल्व कर लिया था हमने और सॉल्व करने पर 317/60 आ गया था. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बताना पड़ूंगा, आप बताना चाहिए मुझे. देखिए मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट स्पीड का फॉर्मूला. तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में स्पीड का फॉर्मूला लिख लें कि आपको स्पीड निकालना है. बच्चों स्पीड का फॉर्मूला होता है सबसे पहले सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझो, बहुत ही सिंपल. इसी को बेटा स्पीड बोलते हैं और इसी को एवरेज स्पीड बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है. ओके, जब भी आप कभी एवरेज स्पीड बोलते हैं, अब समझो इसको कैसे. तो डिस्टेंस किसमें लिखा जाता है बच्चों? डिस्टेंस लिखी जाती है यूजुअली किलोमीटर में. किसमें लिखी जाती है? किलोमीटर में. और टाइम किसमें लिखा जाता है बच्चों? आवर में. किसमें लिखा जाता है? आवर में. तो टाइम किसमें लिखा जाता है? आवर में. तो स्पीड की जो यूनिट बनती है वो जनरली क्या होती है? किलोमीटर पर आवर. क्या होती है? किलोमीटर पर आवर. तो आपने देखा होगा ट्रक के सामने लिखा रहता है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर पर आवर मतलब इसका मतलब होता है कि 1 आवर में ये ट्रक कितने किलोमीटर चला जाता है? 30 किलोमीटर. तो स्पीड आपको आइडिया देती है कि 1 आवर में कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली जाएगी. 1 आवर में कितने किलोमीटर? ओके, सो 1 आवर में हाउ मच किलोमीटर, ये स्पीड आपको आइडिया देती है. ये आपको स्पीड आइडिया देती है, ठीक ना. अब चलो एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो कि आप अपने घर से साइकिल लेकर या गाड़ी लेकर के बाइक लेकर के चलना शुरू करते हो. सपोज आपका घर है ए पर और ए से लेकर के आप जो है बी तक जाते हो बाइक यूज करके और आप टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करते हो? 240 किलोमीटर. 240 किलोमीटर. देखो भाई 240 किलोमीटर बहुत ही लंबी डिस्टेंस है. ओके, 240 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो. ओके, और आप मान लो इस 240 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बिना रुके ओके आपने कितना लगाया? 6 आवर लगाए. कितने लगाए? 6 आवर लगाए. 6 आवर लगाए आपने. तो अब आपको बतानी है कि आपकी स्पीड क्या रही होगी, है ना. 6 आवर लगाए आपने, अब आपकी स्पीड क्या रही होगी? तो स्पीड का फॉर्मूला देखिए. स्पीड निकालनी है मतलब पर आवर की डिस्टेंस निकालनी है आपको. पर आवर निकालनी पड़ती है, स्पीड तो पर आवर में ही होती है. तो स्पीड इक्वल टू होता है भाई साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर. 240 किलोमीटर. और टाइम कितना है? 6 आवर. हाँ, तो 6 × 4 = 24 और कितना आ गया? 0. तो आंसर आ गया भाई साहब, ये देखो कितना आ गया आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर. बेटा ये जो है ना, ये यूनिट कहलाती है जो किलोमीटर पर आवर. ये फिजिक्स यही है, यही आगे जाके फिजिक्स बनेगी. फिर 40 किलोमीटर पर आवर. आपको ये यूनिट काटनी नहीं है, ठीक है ना. मैथ्स कटेंगे, नंबर्स कटेंगे, बट यूनिट कभी कटेगी नहीं. और यूनिट आपको बहुत बड़ा आइडिया देती है कि इस हिसाब से 1 आवर में कितने किलोमीटर चला होगा? 40. कितना चला होगा? 40. 1 आवर में कितना चला होगा? 40. कितना चला होगा? 40. भाई आपको तो 6 आवर की बात दी गई है, बट ऑन एन एवरेज आपको पूछा गया 1 आवर में कितना चल गया होगा? 40. तो यही आपकी स्पीड बनेगी. और आप घर जाके आपसे कोई पूछेगा भाई साहब किस स्पीड से आए हो, तो आप जवाब क्या दोगे? 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर. और आप वैसे भी देख लो, अगर आप 40 की स्पीड से चलते हो हर आवर में, ईच आवर में, तो 6 आवर में कितने किलोमीटर हो जाएगा? 240. मतलब आपकी स्पीड जो है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. तो दोस्तों ये हुआ स्पीड निकालने का तरीका. अब आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं. आपके नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है, है ना. कहाँ गया भाई वो क्वेश्चन स्पीड वाला? देखते हैं, जल्दी से देखते हैं. चलिए तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है. ओके, इन जनवरी 1957, भैया 1957 की बात है, तो बात कभी की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इन जनवरी 1957 3 जेट प्लेन मेड द फर्स्ट नॉन स्टॉप अराउंड द वर्ल्ड फ्लाइट. 3 जेट थे, उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड की फ्लाइट ली है नॉन स्टॉप. दे फ्लू अबाउट 38,640 किलोमीटर इन लेस देन 46 आवर. लियो भाई बता दी. तो उन लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डिस्टेंस ट्रेवल करी है नॉन स्टॉप, कितनी ट्रेवल करी है? 38,640 किलोमीटर. ये तो इनकी डिस्टेंस है. ये क्या इनकी डिस्टेंस? इन लेस देन 46 आवर. और इनका जो टाइम है 46 आवर्स है.
ओके से लेस है, अब लेस कितना होगा ये तो मान नहीं सकते, तो अपन ने 46 ही मान लिया, ओके है ना, 46 आवर से लेस मतलब कि 45 आवर कुछ मिनट होंगे थोड़े बहुत, मगर मोटा मोटा उन्हें अपन 46 मान लिया। अब आपसे बताना है भाई साहब, तो जेट प्लेन तीन चले थे, मगर ये अकेले एक जेट प्लेन की बात है, किसकी बात है, हाँ तीन जेट प्लेन चले थे, अब तीनों ट्रेवल करना है, बात तो एक ही है ना, तीनों ने एक ही काम किया है, तो आप एक ही स्पीड निकाल लो, बोलो ये सुनो, अब तीन मोटरसाइकिल चली हैं, एक ही काम किया है, एक टाइम सेम पे चली हैं, एक ही टाइम पे पहुंची है, तो आप एक की निकाल लो, ये सुनो, तो चलो भाई साहब ये तो आपको निकालनी है, स्पीड निकालनी, तो सो सिंपल क्वेश्चन यार, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्या बताऊं मैं, स्पीड इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेटा लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, देखो ऐसे लिखा जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब भाई डिस्टेंस कितनी है देख लो, डिस्टेंस है 38,640 किलोमीटर डिवाइडेड बाई कितना 46 आवर, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ओके आइए मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूं, कैसे सिखाएंगे देखो, 38,640 डिवाइड बाई 46, देखो बेटा दोनों इवन नंबर है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जीरो है, ये भी सिक्स है, मतलब दो से कैंसिल होंगे, तो दो से दोनों को कैंसिल करो, पहले नीचे वाले कैंसिल करता हूँ 23 बार, 23 टाइम्स जाएगा, और चलो ऊपर वाले को कैंसिल करता हूँ, ओके सो देखिए कैसे होगा कैंसिल 38,640 को, मैं तो मन ही मन में कैंसिल कर लेता हूँ, वैसे आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, मैं करता हूँ 2 1 2 तो 1 टाइम गया, एक कैरी बच जाएगी, 2 9 18 2 3 6 2 2 4 ओके एन जीरो ये आ गया, चलो बट आप छोटे हो आपको नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप आराम से करो 38,640 में 2 का डिवाइड कर दो, तो देखो 2 1 2 इधर आ गया, इधर आया 1 यहाँ 8 इधर 2 9 18 कैंसिल हो गया 6 आ गया, 2 3 6 कैंसिल हो गया 4 फिर 2 2 4 ओके फिर 0 का 0 आ जाएगा, ओके जब बच्चों तो मतलब आदत बना ली मैंने, आप भी धीरे धीरे आदत बना लोगे, ओके 23 आ चुका है, अब बच्चों 23 प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, तो इसको तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, तो फाइनली आपको 19320 डिवाइडेड बाई 23 यहीं पर छोड़ना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर, ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपको इसको डेसिमल डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डेसिमल में इसको करके लाना पड़ेगा, ओके तो मैं डेसिमल में कैलकुलेटर के यूज से देख लेता हूं, 19320 डिवाइड बाई 23 मैंने कर दिया, देखिए आंसर कितना आएगा 840, कितना आ रहा है 840, वाह पूरा का पूरा कैंसिल हो गया भाई, क्या बात है, मतलब 840 किलोमीटर, कितना आ गया 840 किलोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर है 840 किलोमीटर, तो आप 19320 को डिवाइड कर सकते हैं पूरा का पूरा, ये देख लीजिए मैं कर देता हूँ 19320 डिवाइड बाई 23, तो 23 की टेबल पढ़िए, 23 की टेबल कितने बार जाए 8 बार जाएगी, 8 बार जाएगी, सो 8 3 24 4 आ गया, 8 2 16 प्लस 2 कितना हुआ 18, सो यहाँ पे आ गया 8 बार, सो 184 ओके, तो 13 हो गया ये 13 में से 4 गए 9 एंड ये कितना हो गया 0, ये भी 0 और यहाँ पर कितना आ गया 2 ओके, सो 23 के टेबल में से 4 बार में 92 होता है, सो 92 कैंसिल हो गया ये पूरा, फिर 0 उतरा तो ये 0 टाइम 0 हो गया, कैंसिल हो गया, करेक्ट आंसर कितना हुआ, आंसर कितना आ गया 840 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही बच्चों 840 किलोमीटर पर आवर, तो ये है आंसर इसका 840 किलोमीटर पर आवर, दोस्तों आई होप आपको बस मस्त एकदम क्लियर हुआ होगा, मजे से मजा आ गया होगा, है ना दोस्तों, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ओके क्या कंसेप्ट लगा, बहुत ही सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको बहुत जिंदगी भर काम में आएगा, कभी भी स्पीड निकालनी है तो स्पीड का मतलब होता है